Sisha. का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी। ओके, तो सेक्शन 14(2) उसे समझने के लिए बेसिकली आप पहले ही समझिए कि इस केस में हुआ क्या है। इन तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी, अ हिंदू वुमन ऑब्टेन्ड अ मनी डिक्री, ठीक है, इन लियू ऑफ हर मेंटेनेंस एंड अ चार्ज ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस केस। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, एक महिला, उसने एक मनी डिक्री ऑब्टेन की, किस लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, एंड एट द सेम टाइम कोर्ट क्रिएटेड अ चार्ज कि उसे वो मनी या वो पैसा कहां से मिलेगा। चार्ज क्रिएट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, वी नो अबाउट चार्ज इन टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी में 100 में बात की गई है, तो कोर्ट क्रिएटेड अ चार्ज ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी डिक्री हुई है। उसके बाद जो पार्टीज हैं, दे एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, पार्टीज के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज भी हुआ, फिर डिक्री हो गई, डिक्री के बाद चार्ज क्रिएट कर दिया कोर्ट में, उसके बाद पार्टीज ने कहा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड इन दैट कॉम्प्रोमाइज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वॉज गिवन टू अ वुमेन इन द नेचर ऑफ लाइफ एस्टेट, मतलब लाइफ टाइम, या एक आप कह सकते हो लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है, और क्यों किया गया, इन लियू ऑफ हर मेंटेनेंस, इन लियू ऑफ हर मेंटेनेंस, कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये किसका हो गया, इस महिला का हो गया। ओके, अब इस दौरान जब लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उस समय हमारे पास आ गया कौन सा एक्ट, आ गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेक्शन 14 में कहा गया है कि सेक्शन 14, इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ हिंदू फीमेल बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, शी वुड बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब यहां पर उस महिला के पास प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी कैसे आई है, तरीका आ गया डिक्री में, मतलब ये केस पहले से चल रहा था, जब प्रॉपर्टी उसके पास है, शी इज हैविंग दैट प्रॉपर्टी, तो शी बिकेम द एब्सोल्यूट, मतलब उसके उसने कहा कि ये नाउ आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई जो दूसरी पार्टी थी, दूसरे लोग थे जो उसी प्रॉपर्टी में मांग रहे थे, उन्होंने कह दिया इट इज नॉट पॉसिबल, मैटर गया कोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तक मैटर गया है, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ना, कि यहां पर इस केस में सेक्शन 14(2) अप्लाई होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि ना, कि भाई दैट वुमन इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, ठीक है, शी इज ओनली हैविंग अ लिमिटेड इंटरेस्ट, तो ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनेगी। मैटर गया, अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर एक बात समझना जरूरी है, पहली चीज कि सेक्शन 14 इज अ रिफॉर्मेटरी प्रोविजन, एक सुधार करने के लिए हिंदू महिलाओं को, कि जो जो ये आप कह सकते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटस और द प्रोप्रिएटरी राइट्स विच आर गिवन टू अ हिंदू फीमेल, दैट्स व्हाई कि इट इज अ काइंड ऑफ रिफॉर्म विच इज गिवन अंडर सेक्शन 14(1), कि एक सुधारात्मक एक प्रयोग है जो किया गया है हिंदू महिलाओं के लिए, कि ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, प्रॉपर्टी में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रोप्रिएटरी राइट्स है, संपत्ति में अधिकार है, वो उसमें सुधार हो सके। दूसरी बात कही गई विच इज रिगार्डिंग टू द राइट कि वेदर 14(1) इज एप्लीकेबल, कि अब हम क्या मानेंगे कि यहां पर 14(1) अप्लाई हो रहा है या 14(2), 14 सबसेक्शन 2 विच प्रोविजन इज एप्लीकेबल। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे सब्जेक्ट मैटर है, तो
जब भी 14(2) अप्लाई होगा देयर मस्ट बी फ्यू कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड, कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होने जरूरी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस तरीके से हो, क्या क्या तरीके थे, गिफ्ट, विल, डिक्री, ठीक है, ऑर्डर, अवार्ड और या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये तरीके हैं। अब इसका मतलब हो गया देयर इज अ डॉक्यूमेंट या देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट जो इसमें दिया गया है उस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14(2) देयर इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ विल, गिफ्ट, डिक्री, ठीक है ना, ऑर्डर, अवार्ड, व्हाटएवर इट इज, इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ उस डॉक्यूमेंट में क्या दिया जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। देयर मस्ट बी अ रिस्ट्रिक्शन, वहां पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी नो प्री एग्जिस्टिंग राइट, और वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब प्री एग्जिस्टिंग राइट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जनरली आप ये समझिएगा कि इसका मतलब ये है कि महिला के पास मेंटेनेंस का राइट तो पहले से ही था, अगर सपोज ये केस ना भी करती तो अभी महिला का मेंटेनेंस का राइट बनता है, प्री एग्जिस्टिंग राइट है, नो न्यू राइट इज क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी। जब आपका प्री एग्जिस्टिंग राइट है तो 14(1) अप्लाई होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या माना जाएगा कि दैट वुमन इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी।